क्या कॉस्मिक सुनामी का कहर जल्द ही दुनिया को खत्म कर देगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बहुत ही जल्द पृथ्वी को कोई निगलने वाला है, और ये कोई और नहीं बल्कि कॉस्मिक सुनामी है। हाँ, हम इस बार टॉप 10 हिंदी में एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, जिसमें इसी तरह के मिस्टीरियस और अचंभित करने वाली बातें हम सामने लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं। कॉस्मिक सुनामी के कहर से अब कोई नहीं बच सकता। बहुत ही जल्द पृथ्वी खत्म होने वाली है। नासा के विशेषज्ञों ने ये खोज किया है। आइए जानते हैं पहले कि ये कॉस्मिक सुनामी क्या चीज है और इसका पृथ्वी पर क्या असर हो सकता है। हमारे आकाश गंगा यानी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, और कॉस्मिक सुनामी एक ऐसा आग का गोला है जो हमारे मिल्की वे से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि हमारी पृथ्वी ये सुनामी के सामने एक छोटी मछली की तरह है, जिसे वह आराम से निगल सकती है। ये 20,000 लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी शक्ति कितनी ज्यादा अधिक है। नासा के विशेषज्ञों ने इसकी खोज सबसे पहले पर्सुस गैलेक्सी के पास की थी। कॉस्मिक सुनामी का खतरा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उससे गर्म केमिकल्स निकल रहे हैं और हर गैलेक्सी क्लस्टर उसके प्रकोप में आ रही है, जिससे उसकी शक्ति हर दिन बढ़ती जा रही है। दिल दहलाने वाली बात ये है कि इसके बारे में किसी तरह का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि ये किस गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है, ये बात भी कहना मुश्किल हो रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब ये हमारी धरती पर भी अपना आतंक मचाएगी। नासा के मशहूर विशेषज्ञ स्टीफन वॉकर अपनी टीम के साथ कॉस्मिक सुनामी का अनुसंधान कर रहे हैं। इस मिशन का नाम चंद्र दिया हुआ है। उनका ये मानना है कि ये कॉस्मिक वेव्स बहुत ही तीव्र गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्लस्टर पर निर्भर करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता कम है तो कॉस्मिक वेव्स की शक्ति ज्यादा होगी और ये और बड़े आकार में नजर आएगी। यदि किसी क्लस्टर की मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति ज्यादा होगी तो ये वहीं कमजोर हो जाएगी। हालांकि दिक्कत की बात यह है कि ये कॉस्मिक एनर्जी हमसे 2,00,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, इसलिए इसकी औसत का पता अभी से चलना मुश्किल है। यह भी कहा जा रहा है कि कॉस्मिक सुनामी में 2 तरह के गैस हैं, हॉट गैस एंड कोल्ड गैस, जो कि और भी खतरनाक और हानिकारक हैं। स्टीफन वॉकर का मानना है कि जिस तरह से ये कॉस्मिक सुनामी बनते हैं, इसमें पहले कोल्ड वेव्स ही होते हैं। जब ये सुनामिक किसी भी गैलेक्सी क्लस्टर से टकराती है तो हॉट वेव्स जनरेट होते हैं और वह बाहर रह जाते हैं। आपको ये जान के हैरत होगी कि कॉस्मिक सुनामी का भीतर परत ठंडा होता है, जबकि बाहर के परत से गर्म कॉस्मिक वेव्स निकलते हैं। हालांकि अभी इसी बात की पुष्टि सही तरह से नहीं हो पाई है, मगर पर्सुस गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी के काफी करीब है। सूत्रों की माने तो हालत बहुत ही नाजुक है। ये रहस्य सबसे पहले पिछले साल सबके सामने आया जब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पे एक छेद नजर आया। ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वजह कॉस्मिक रेज ही हैं, जो छेद करके पृथ्वी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि इस तरह के कॉस्मिक वेव्स कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि सूरज की किरणों में, समुद्र की लहरों में, यहाँ तक कि किसी और ग्रह पे भी ये पाए जा सकते हैं। पहले भी काफी बार अनुमान लगाया गया है कि कॉस्मिक सुनामी पृथ्वी को छूने वाली है, पर अब तक सब ठीक है। अब विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि इस कॉस्मिक सुनामी के काले साए से अब भगवान ही बचा सकते हैं। हालांकि बहुत लोग इस खबर को झूठा और फेक बताते हैं, लेकिन एक बात सच है कि कभी न कभी पृथ्वी इसकी चपेट में आ जाएगी और दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या सच में पृथ्वी कॉस्मिक सुनामी से तहस नहस हो जाएगी? अपने विचार हमारे कमेंट्स सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। आपको हमारी ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानिए दुनिया के रहस्यमयी घटनाएं।